खबर रीवा जिले के नईगढ़ी कस्बे से है, जहां बीती शाम पुलिस थाना से महज 100 मीटर दूर स्थित इंडियन गैस एजेंसी के सामने खड़ी बोलेरो जीप क्रमांक MP17BA1429 चोरी हो गई है। इसका सुराग अभी तक नहीं चल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नईगढ़ी थाना पुलिस पर आरोप लगा है कि फरियादी की 14 घंटे से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी नईगढ़ी थाना में फरियाद को नहीं सुना गया है। आपको बता दें कि नईगढ़ी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली एवं निष्क्रियता के चलते नईगढ़ी थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरियों का ग्राफ बढ़ा है। थाना परिसर से लगे इंडियन गैस एजेंसी के सामने से चोरी गई बोलेरो जीप की खोजबीन करने में नईगढ़ी थाना पुलिस द्वारा की जा रही हीला हवाली एवं थाना में बैठे पीड़ित की फरियाद न सुने जाने से परेशान पीड़ित शिव बहोर मिश्रा ने दर्द भरे लफ्जों में अपनी आपबीती सुनाई है। आइए दिखाते हैं फरियादी क्या कह रहा है। कल यहाँ गैस एजेंसी के बगल में सामने ठीक सामने गाड़ी खड़ा कर दिए थे बोलेरो MP17BA1429 थाना से ठीक 100 मीटर की दूरी में। वहाँ से हमारी अज्ञात चोरों द्वारा गाड़ी चोरी हो गई। उसके लिए मैं 8:45 के करीब जब थाने में आया तो आवेदन दिया। उसके बाद भी अभी तक हमारा FIR नहीं लिखा गया है। 12 बजे के लगभग तक मैं थाना परिसर में उपलब्ध था तो ये हमारी शिकायत नहीं दर्ज हुई। अभी मैं सुबह से फिर से थाना परिसर में आया हूँ तो हमारा FIR नहीं लिखा गया है। और मैं थाना प्रभारी से भी फ़ोन लगाया तो बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ है। हमारे कई व्यक्ति भी थाना प्रभारी से बात किए हैं लेकिन अभी तक कोई हमको उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको उचित न्याय दिलाया जाए और हमारी शिकायत FIR दर्ज किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? शिव बहोर मिश्रा, ग्राम चिल्ली।